रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत फरनोहल की गांव दुगबाड़ी के बाशिंदों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। हालांकि गांव के लिए 2 साल से सड़क बनाने का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन काम कछुए की गति से चलने के कारण ग्रामीणों में काफी रोष है। हालांकि कई बार ग्रामीण इसके बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी असर देखने को नहीं मिला है, जिस कारण उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी के मद्देनजर एक प्रतिनिधि मंडल ने आकर एससी से मुलाकात की। हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत फरनोहल के गांव दुगवाड़ी के बाशिंदों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। हालांकि गांव के लिए 2 सालों से सड़क बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन काम कछुए की गति से होने के कारण गांव वासियों में गहरा रोष है। हालांकि कई बार गांव वासियों ने इस बात पर पीडब्ल्यूडी विभाग को शिकायत भी की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जिस कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। दुगबाड़ी गांव के बाशिंदों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सियन को लिखित शिकायत करके जल्द सड़क कार्य को पूरा करने की गुहार लगाई है। साथ ही लोगों ने सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार के द्वारा कछुए की गति से काम करने पर भी रोष जाहिर किया है। हम एक्सियन साहब से मिले तो हम अपने गांव की समस्या लेके आए हैं। हम ग्राम पंचायत फरनोल गांव दूब से आए हैं। हमारे यहाँ सड़क की प्रॉब्लम है, जो कि पिछले 2 साल से कार्य चल रहा है, लेकिन बिल्कुल धीमी गति से। और अभी हालात ऐसे हैं, जो भी कार्य हुआ है वहाँ पे पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। तो हमारे समस्त गाँव वासियों को कहीं आने जाने, स्कूल के बच्चों को उनको लाने छोड़ने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हम इसीलिए आए हैं कि हमारा जो निर्माण का कार्य है जल्द से जल्द शुरू किया जाए और हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। कहेंगे हम फिर आगे इनसे बातचीत करेंगे कि सर जो भी है जल्द से जल्द हमारा करें, ताकि आगे हम भी शहर से मुख्य सड़क से जुड़ सकें। सर ये जो ग्राम पंचायत बाड़ी दो का जो कार्य चल रहा है, ये जो है ये बीच में रुक रहा है और ये टाइम का नहीं हो रहा है, और बच्चे स्कूल आते जाते हैं। इसमें एक तो दुग नाला पड़ता है, दूसरा सुक्कर नाला है, खड्ड है। जब ये खड्ड आती है तो इसका उफान ज़्यादा होता है, तो बच्चों को आने जाने के लिए मुश्किल होती है स्कूल में। और कई बार बुजुर्ग भी बीमार हो जाते हैं, उनको कंधे के ऊपर उठाकर पहुँचाना पड़ता है मुख्य सड़क के ऊपर। तो बोलने का मतलब यह, जो ठेकेदार आता है जिन्हें काम दिया था वो काम छोड़ कर चला गया, और ये काम जो बीच में रुक गया। तो ये काम जो जितने जल्दी हो सके उतना जरूरी है।